नमस्कार सुप्रभात, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में 24 घंटे में मिले 19,000 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस, 300 मरीजों ने अब तक दम तोड़ दिया है। कुल आंकड़ा 1,75,000 के पार है। नए कोरोना वायरस की आहट से महाराष्ट्र सरकार काफी अलर्ट है और आज से शहरी इलाकों में लगेगा नाइट कर्फ्यू। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब नए वायरस का अलर्ट भी जारी हो चुका है। आज से शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू भी लगेगा, बताया ये भी जा रहा है। इन सब के बीच कोरोना के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में 24 घंटे में मिले हैं 19,000 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस, 300 मरीजों ने अब तक दम तोड़ दिया है कोरोना के चलते। ये नए आंकड़े सामने आने लग गए हैं। कोरोना के कुल आंकड़े 1,75,000 के पार बताए जा रहे हैं। और अब देखिए, नए कोरोना वायरस की आहट से महाराष्ट्र सरकार काफी अलर्ट बताई जा रही है। शहरी इलाकों में अब नाइट कर्फ्यू भी लगेगा क्योंकि काफी ज्यादा कोरोना केसेस अब दिखने लग गए हैं पूरे देश में। अब नए वायरस की आहट भी सुनाई देने लग गई है। 300 मरीजों ने दम तोड़ दिया है अब तक कोरोना के चलते। कुल आंकड़ा देखिए 1,75,000 के पार बताया जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ चला जा रहा है। इन सबके बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पूरी तरह से हो सके, कहीं भी भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो सके। इसके साथ ही 2 गज की दूरी है जरूरी, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का नारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया था। तो फिलहाल आपको बता दें, कुल आंकड़ा 1,75,000 के पार बताया जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा इजाफा। इन सब के बीच नए कोरोना वायरस की आहट से अब महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। नए कोरोना केसेस और पूरे देश में 24 घंटे में 19,000 नए केस मिले हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है।